वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सर्विंग योर फ्रेंड्स। जैसे कि आप सब जानते हैं, परफेक्ट इंस्टीट्यूट इज द इंडिया बेस्ट सर्विंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सर्विंग इज ऑर्गेनाइजिंग फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अबाउट क्वांटिटी सर्विंग। जो हमारे डिप्लोमा और बीटेक सिविल इंजीनियर्स हैं, जो अपने जॉब पे होने के कारण या मनी प्रॉब्लम या दूसरे रीजन में होने के कारण जो हमें ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, वो हमारी फ्री ऑनलाइन क्वांटिटी सर्वेइंग की जो है क्लासेस को यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, वहां से सीख सकते हैं क्वांटिटी सर्वे। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चेकलिस्ट यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज अबाउट द बैकफिलिंग। जो बैकफिलिंग होती है उसको कैसे किया जाता है। जब आप एक्सकवेशन करते हैं, बैकफिलिंग जो है आपको पता ही होगा कि बैकफिलिंग जो है हमेशा अगर आप करते हैं तो आपको लेयर वाइज करना चाहिए। तो उसका एक प्रोसेस होता है। जब आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं तो यू हैव टू फॉलो अ चेकलिस्ट। मीन्स बिना चेकलिस्ट के आप कोई भी कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं तो वो कह सकते हैं कि वो एक ढंग से जो है वो आपका सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि कंपनीज में कोई भी काम करने का अपना एक तरीका होता है, अपना एक प्रोसेस होता है। तो इसी के लिए जो है कंपनीज जो है वो चेकलिस्ट फॉलो करती हैं। तो चेकलिस्ट जो है दोस्तों क्वांटिटी सर्वेइंग के अंदर भी इंपॉर्टेंट होती हैं, और कह सकते हैं कि आप जब एग्जीक्यूशन करते हैं तो वहां पर इंपॉर्टेंट होती है, क्वालिटीज को लेकर इंपॉर्टेंट होती है। जो भी काम हम साइट पे करते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर करते हैं, जिस भी फील्ड में करते हैं, तो हमें चेकलिस्ट को फॉलो जरूर करना चाहिए। इसी के चलते जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैकफिलिंग की चेकलिस्ट को। दोस्तों, ये जो क्वांटिटी सर्वे सीखना चाहते हैं, भारी भरकम फीस के कारण जो है वो अपना ये सपना पूरा नहीं माने, तो दोस्तों मात्र 6000 रुपए में जो है दिल्ली ब्रांच के अंदर, जिसमें कि आपको ये तीनों चीजें एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग, कंप्लीट क्वांटिटी सर्वे का पैकेज है। दोस्तों, अगर आप दूसरी चेकलिस्ट देखना चाहें तो हमारा जो उसमें जाके आप चेकलिस्ट के फॉर्मेट्स को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि हम कौन कौन सी चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं और क्या क्या उनको फॉलो करना चाहिए, कैसे उनका प्रोसेस होता है। तो आज चलते हैं हमारे वीडियो में, जो कि है चलते हैं चेकलिस्ट के ऊपर और डिस्कस करते हैं कि चेकलिस्ट बैकफिलिंग की कैसे होती है। तो दोस्तों, ये हमारी फिलिंग एंड कॉम्पैक्शन की चेकलिस्ट है। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे चेकलिस्ट को भरा जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है चेकलिस्ट साइट इंस्पेक्शन की चेकलिस्ट है, उसके बाद एक्टिविटी क्या है फिलिंग एंड कॉम्पैक्शन, फिर रेफरेंस ऑफ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन था जिससे हमने चेकलिस्ट को वेरीफाई कराया है, फॉर्मेट नंबर क्या है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, डेट, लोकेशन, एप्लीकेटर्स नेम, मतलब कौन कॉन्ट्रेक्टर का है जो एम्प्लॉय जो कि ये चेकलिस्ट वेरीफाई करा रहा है क्लाइंट से या कंसल्टेंट से। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा गया अप्रोप्रिएट जो है टिक करना है आपने, अगर आपको वेरीफाई के दौरान कोई भी चीज मिलती है जो कि नहीं कंप्लीट हुई तो उसको नो कर देंगे, अगर सही ओके है तो यस कर देंगे। रिविजन मींस क्या होता है कि कई बार एक ही काम को हम बार बार रिपीट करते हैं। मान लीजिए एक फर्स्ट टाइम जो है इंजीनियर आपके पास आया कॉन्ट्रेक्टर का चेकलिस्ट लेके, आपको कुछ कमियां जो है वो मिली, आपने जो है वो चेकलिस्ट वो जो काम है एग्जीक्यूशन होने से आपने मना कर दिया, तो वो रिविजन मान हो गया। फिर अगेन वो लेके आया, अगेन जो है आपको कोई पॉइंट ऐसा लगा कि जो कंप्लीट नहीं हुआ, फिर आपने रिजेक्ट कर दिया, वो रिविजन टू हो गया। था ऐसे चलते रहते रिविजन जब तक कि आपकी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना काम एग्जीक्यूशन का जो है वो प्रॉपर ना हो, चेकलिस्ट कंप्लीट ओके ना हो, तब तक जो है आप कॉन्ट्रेक्टर को मना करेंगे कि आप ये काम जो है वो प्रोग्रेस में ना लाएं। तो वो चेकलिस्ट क्या है दोस्तों, किसी भी काम करने के दो फेजेज होते हैं, प्री और पोस्ट। अब ये है प्री एग्जीक्यूशन चेक्स, मतलब काम करने से पहले, बैकफिलिंग से पहले आपको क्या चेक करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जीएफसी ड्राइंग्स विद द नेम, डेट, नंबर एंड नंबर ऑफ ड्राइंग्स इज अवेलेबल। जीएफसी ड्राइंग्स क्या होता है दोस्तों, जीएफसी ड्राइंग्स होता है दोस्तों जो गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स हम कहते हैं। देखिए स्टैंडर्ड ड्राइंग्स होती है जो कि जब आप इनिशियल फेज में होते हैं प्रोजेक्ट के, तो वहां पर जो आप ड्राइंग जो है वो काम करते हैं, जिस ड्राइंग के ऊपर टेंडर को कोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ड्राइंग्स। जब आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड जीएफसी ड्राइंग, मींस गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स। तो उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, फिर आता है चेक ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। मान लीजिए काम स्टार्ट होने लग गया है तो आपको क्या क्या देखना है, इज द वाटर प्रूफिंग वर्क कंप्लीटेड, अगर वहां पर वाटर प्रूफिंग का काम जो है वो पहले हो रखा है, अगर आप बैक फिलिंग कर रहे हैं तो ठीक है दोस्तों, वो अगर है तो यस कर देना है। आर ऑल द रिक्वायर्ड कॉम्पैक्शन मशीन अवेलेबल, मीन्स आपको बताया मैंने अभी कि आपको जो है बैक फिलिंग जो है लेयर वाइज करना होता है, तो लेयर
वाइज करने के लिए जो कॉम्पैक्टर है या फिर जो भी आप रोलर वगैरह यूज कर रहे हैं वो क्या अवेलेबल है वहां पर, अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप नो कर देंगे। फिलिंग सॉयल हैज बीन टेस्टेड एंड अप्रूव फॉर फिलिंग। कई बार क्या होता है, हम लोग बाहर से सॉयल लाते हैं बैक फिलिंग के लिए, क्या वो अप्रोप्रिएट है सॉयल, या आपकी जो सॉयल वहां से आपने निकाली है क्या वो बैक फिलिंग के लिए सही है या नहीं है, वो आपको चेक और उसका टेस्ट रिपोर्ट जो है वो होना चाहिए, तभी आप जो है उसको ओके करेंगे। कॉम्पैक्शन लेयर इज बीइंग डन बाय लेयर एज पर द रिक्वायरमेंट। मैंने अभी आपको बताया कि लेयर वाइज जो है हम लोग जो बैक फिलिंग है वो करते हैं, अगर बैक फिलिंग लेयर वाइज हो रही है तो ठीक, नहीं हो रही है तो आप नो कर देंगे, क्योंकि लेयर वाइज होने का मतलब क्या है कि आपको कॉम्पैक्शन और जो वॉइड्स हैं बीच से निकल रहे हैं, अगर आप कॉम्पैक्शन लेयर वाइज नहीं करते तो आपकी सॉइल में वॉइड्स रह जाएगा और जब मॉनसून में या कहीं से भी पानी का लीकेज आएगा दोस्तों तो आपका जो सॉइल है वो कॉम्पैक्ट होके बैठ जाएगा और आपका स्ट्रक्चर जो है वो गिर भी सकता है, तो इसके लिए जो है कॉम्पैक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज द फील्ड डेंसिटी एज स्पेसिफाइड बाय स्ट्रक्चर कंसल्टेंट। जो डेंसिटी जो आपने कही थी, डेंसिटी जो है स्ट्रक्चर कंसल्टेंट आपको देगा कि क्या डेंसिटी उसकी होनी चाहिए कॉम्पैक्शन की, वो आपको वहां पर मेंटेन करनी है। एंश्योर मतलब कहीं पे कह सकते हैं ना कि कहाँ पर, जब कई जगह पे ऐसा है जहाँ पे मशीन नहीं जा सकती है, रोलर नहीं जा सकता, तो वहां पर ही केवल आप कॉम्पैक्शन जो है मैन्युअली करेंगे, अदरवाइज जो है आपको कॉम्पैक्टर से ही कॉम्पैक्शन करना है, ठीक है दोस्तों। तो पोस्ट एग्जीक्यूशन चेकलिस्ट क्या है, जब मान लीजिए आपका काम एग्जीक्यूट हो गया, आपका कॉम्पैक्शन वर्क डन हो गया, देन व्हाट यू हैव टू चेक आर द लेवल्स ऑफ फिलिंग इज अचीव्ड एज पर द ड्रॉइंग, मीन्स जो भी लेवल वहां पर चाहिए था क्या वो लेवल आपको मिला है, क्योंकि अगर मान लीजिए बैक फिलिंग करना कुछ और 100 mm का करना था, आपने कर दिया 250 का या 300, 1 meter करना था सपोज, तो आपने सपोज करते हैं कि हमारा बैक फिलिंग 1 meter होना था, आपने कर दिया 1.5 meter तो वो गलत हो गया, या 1 meter करना था आपने कर दिया 900 mm तो वो भी गलत हो गया। तो दोस्तों जो बैक फिलिंग है वो एज पर द लेवल जो ड्रॉइंग्स है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी चेकलिस्ट अबाउट द बैक फिलिंग, फिलिंग या कॉम्पैक्शन के लिए कह सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है, ऐसे ही ढेरों हम लोग चेकलिस्ट अपने इस यूट्यूब वीडियो पे शेयर करते रहते हैं ताकि हमारे इंजीनियर जो हैं घर बैठ के भी सीख सकें अबाउट द सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। तो आप जो है सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं क्वांटिटी सर्वे, लैंड सर्वे कोर्सेज या अदर कोर्सेज, तो आप हमें नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम हेयर इन दिल्ली एंड उत्तराखंड ब्रांच। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।